लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। 59 से ज्यादा चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर हिंदुस्तान की डिजिटल हड़ताल के बाद भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन कंपनियां अपना सिक्का जमाने में लगी है। खासकर टिकटॉक जैसी पॉपुलर चीनी मोबाइल एप्लीकेशन के बंद होने के बाद घरेलू मोबाइल डेवलपर आपके लिए क्या ऑप्शन लेकर आ रहे हैं, आइए जानते हैं हिंदुस्तान से चीनी ऐप बंद क्या हुए भारतीय ऐप का जैसे टाइम आ गया। टिकटॉक की स्थान चिंगारी, बोलो इंडिया जैसी घरेलू ऐप लोग दनादन डाउनलोड कर रहे हैं, हर घंटे 20 लाख व्यू जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त टिकटॉक के देसी विकल्पों पर टिकटॉक स्टार शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रैफिक ग्रोथ आम दिनों के मुकाबले अब 5 गुना तक बढ़ती नजर आ रही है। वरुण सक्सेना, फाउंडर बोलो इंडिया का बोलना है कि टिकटॉक की वजह से अब तक बोलो इंडिया पर इतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन इसके बंद होने के बाद अब हमारे प्लेटफॉर्म पर भीड़ आ रही है। पुलकित अग्रवाल, को फाउंडर का बोलना है कि अब तक 35 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं, आम दिनों के मुकाबले ट्रैफिक में 5 गुना ग्रोथ दिख रही है। टिकटॉक पर पाबंदी लगने से एक बढ़िया विकल्प बनकर उभर रहा है, भारतीय यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए रीजनल भाषाओं पर कार्य कर रहा है, वैसे 15 लोकल भाषाएं पर उपस्थित है। भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने टिकटॉक की तरह ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप में टिकटॉक की जैसे ही विशेषता मिलते हैं, जिसमें शॉर्ट वीडियो, स्टिकर्स, स्पेशल इफेक्ट्स शामिल हैं, वो यह गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में उपलब्ध है। ऐप से यूजर्स वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो यह 15 भाषाओं को सपोर्ट करता है। एक अनुमान के मुताबिक मोबाइल एप्लीकेशन ग्रोथ के मामले में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। चीनी ऐप्स इसे भुना रहे थे, लेकिन अब ये बैन घरेलू टैलेंट व भारतीय कंपनियों के लिए अच्छा मौका लेकर आया है।